नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में दिल्ली से लेकर अमेरिका तक लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सीएए समर्थक न सिर्फ इस कानून की वकालत कर रहे हैं बल्कि मोदी सरकार की भी पीठ थपथपा रहे हैं। सीएए के समर्थन में बुधवार को आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राजपूत करणी सेना, गोरक्षा हिंदू दल, हिंदू युवा वाहिनी समेत करीब आधा दर्जन संगठनों ने हिस्सा लिया। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सीएए समर्थकों ने आरोप लगाया कि विरोधी दल इस कानून की आड़ में देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और हैदराबाद के सांसद ओवैसी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी लोग सीएए के समर्थन में सड़कों पर उतरे। नागरिकता कानून के समर्थन में मुंबई के वडाला इलाके में मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि इस मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल थे। ऐसा नहीं कि सीएए का समर्थन सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है बल्कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग भी इस कानून का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की हैं, जहां नागरिकता संशोधन के कानून के समर्थन में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और मोदी सरकार का धन्यवाद किया। सीएए के समर्थन में लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अमेरिका की सड़कों पर मार्च भी निकाला जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। न्यूयॉर्क ही नहीं, अमेरिका के सिएटल में भी भारतीय मूल के लोगों ने नागरिकता कानून के समर्थन में प्रदर्शन किया। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में तिरंगा यात्राएं भी निकाली गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तकरार तेज है। बीजेपी ने जहां मुंबई में इस कानून के समर्थन में रैली निकाली, तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शांति यात्रा निकाली। भोपाल के रंगमहल चौराहे से बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थकों ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। कमलनाथ की अगुवाई में पैदल मार्च रंगमहल चौराहे से शुरू होकर मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने समाप्त हुआ। पैदल मार्च में हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक गांधी टोपी पहने और हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे थे। कांग्रेस समर्थकों ने हाथों में बैनर पोस्टर भी ले रखे थे जिन पर नागरिकता कानून के विरोध में नारे लिखे थे। इस मौके पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून हमारे संविधान पर हमला करता है और ऐसा कानून उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। आज जो एनआरसी और सीएबी का कानून लाया गया है, मैं लगभग 40 साल संसद में रहा हूं, इस प्रकार का कानून जो इतना हमला करता है हमारे संविधान में, मैंने अपने संसदीय जीवन में नहीं देखा। कांग्रेस ने भोपाल में जहां शांति मार्च निकालकर नागरिकता कानून के खिलाफ अपना विरोध जताया, तो एक तस्वीर कोलकाता की जाधवपुर यूनिवर्सिटी से सामने आई। यहां दीक्षांत समारोह में वाइस चांसलर के सामने मंच पर ही एक छात्रा ने नागरिकता संशोधन कानून की कॉपी फाड़ दी। छात्रा ने मंच पर नारे भी लगाए लेकिन वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े लोग मूक दर्शक बने देखते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।